वो अगर आना भी चाहें तो बीजेपी तैयार नहीं है ना, और रामदास अठावले ना तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं ना एनडीए के प्रवक्ता हैं, एक पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनका व्यक्तिगत विचार होगा, उनकी सदिच्छा होगी, लेकिन बीजेपी ने अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं और बीजेपी ने तय कर लिया कि नीतीश कुमार अगर नाक भी रगड़ लें, कुछ भी प्रयास कर लें, अगर चाहें भी तो भी बीजेपी उनको स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए वो तो एक बोझ बन चुके हैं, अब तो राष्ट्रीय जनता दल भी उनको बहुत दिनों तक ढो पाएगी ऐसा मुझे संदेह लगता है। अब वोट ट्रांसफ़र करने की उनकी क्षमता खत्म हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते तो 44 सीट वो नहीं जीत पाते। तो इसलिए राजनीति में अगर आपकी वोट की ताकत आपके पास है तब तो आपका महत्व है, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए रामदास अठावले क्या बोलते हैं उसका बीजेपी के नीति और निर्णयों से कोई संबंध नहीं। आज नीतीश कुमार बैठक भी कर रहे हैं सर अपने पूर्व सांसदों विधायकों के साथ पार्टी को मजबूत करने को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ होगा इस बैठक से क्या लगता है? देखिए नीतीश कुमार घबराए हुए हैं, जिस नीतीश कुमार ने आज तक कभी विधायकों से एक एक विधायक से मिलकर बातचीत नहीं की, तो 13-14 साल के बाद पहली बार एक एक विधायकों को बुलाकर बात कर रहे थे, कभी पूर्व विधायकों की बैठक नहीं बुलाई, उनकी बैठक बुला रहे हैं, तो घबराए हुए हैं। क्योंकि जदयू का कोई भी विधायक सांसद या वर्तमान या पूर्व वो तेजस्वी को सीएम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो रिवोल्ट का खतरा है, विद्रोह का खतरा है, इसलिए वो लोगों के घर जा रहे हैं। अभी देखा कि आज तक कभी किसी मंत्री के यहाँ नहीं गए, लेकिन विजय चौधरी जी के यहाँ गए, विजेंद्र यादव के यहाँ गए, अशोक चौधरी के यहाँ गए। तो भाई मुख्यमंत्री भी आप हमेशा जाते रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तक आप किसी मंत्री के घर नहीं गए शादी विवाह या वैसे अवसरों को छोड़कर, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो घबराए हुए, कि पार्टी में नाराजगी बढ़ती जा रही है, कोई टूट ना हो जाए, उसी को रोकने के लिए सारा प्रयास उनका है। सर ईडी ने बंगाल में जो शिक्षक घोटाला हुआ था उसमें अभिषेक बनर्जी का नाम चार्जशीट में डाला है, और अब आरजेडी जो है ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन पर सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी की क्या मंशा है, इससे साफ हो गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन दिया ना, अगर 15 सितंबर तक की अनुमति दी है तो आरजेडी को तो इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है, सुप्रीम कोर्ट अगर अनुमति नहीं देता तो उनका एक्सटेंशन नहीं होता। इसलिए आरजेडी वाले तो इसलिए परेशान हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनके पूरे परिवार पर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, और इसलिए वो घबराएगा। और देखिए कोई ईडी का डायरेक्टर आ जाए वो थोड़ी मुकदमे बंद कर देगा, और उसका क्या संबंध है? अरे ये तो पद पर कोई सीबीआई का डायरेक्टर, कोई ईडी का डायरेक्टर रहता, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसे केस मुकदमों के निष्पादन पर कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सो अगर इनको ये लगता है कि ये हट जाए तो, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है तो जो भी नया आएगा वो छोड़ेगा थोड़ी, जो सारे मामले इनके परिवार के खिलाफ में है उस पर तो कार्रवाई होगी ही ना। सर आप संसद के सदस्य हैं, मणिपुर टीम गई हुई है, कल भी आपने बोला था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आज मिले हैं वहाँ के गवर्नर से, स्थिति बहुत खराब है और केंद्र सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही। ठीक है, तो लोकसभा का सत्र चल रहा है ना, राज्यसभा में हम डिबेट के लिए तैयार हैं, अपनी बात को कहें राज्यसभा के अंदर, क्यों भाग रहे हैं? आज 8-10 दिन से सदन का समय क्यों जाया कर रहे हैं, क्यों सदन को चलने नहीं दे रहे? और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो भी सदन को बाधित कर रहे हैं, तो और प्रधानमंत्री जी ने तो एक बार बयान दिया ही है, तो ये देखिए पॉलिटिकल टूरिज्म है, घूमने चले गए और 2.5 महीने के बाद गए, घटना तो मई से चल रही, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया, तो विपक्ष को 3 महीने के बाद आया मणिपुर की यात्रा करना। तो इसलिए देखिए मणिपुर की स्थिति वास्तव में हम सभी लोगों के लिए चिंताजनक रही है, जो घटनाएं घटी बाकी घटी, लेकिन सरकार पूरा प्रयास कर रही है और उस मामले को, और पिछले दिनों में, पिछले 10-12-15 दिनों में कोई भी हत्या का, कोई नई मृत्यु का कोई समाचार नहीं आया है, तो पहले की तुलना में स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है।